हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग ऑरेंज पील फेस वॉश बनाएंगे। ये फेस वॉश आपकी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर आपकी स्किन को डीप क्लेंस करेगा। ये आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा, साथ ही आपकी स्किन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन भी बनाएगा। प्लस ये आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और यहाँ तक कि सनटैन को रिमूव कर आपकी स्किन टोन को भी इवन बनाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, इसके रेगुलर यूज से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। तो आइए इस मैजिकल फेस वॉश को बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज पील फेस वॉश बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लेंगे। संतरे के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, इसलिए ये हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन और ब्राइटन बनाता है। साथ ही हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करता है। ये हमारे ओपन पोर्स को डीप क्लेंस कर हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और साथ ही हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 7-8 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है और साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव कर हमारी स्किन टोन को भी इवन बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कर देंगे। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ ही स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और सफल भी बनाता है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए हमारा ऑरेंज पील का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। नेक्स्ट, मैंने ये 30 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले ली है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगी और इसे परचेज करने के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि हमारी सोप बेस इजीली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे यहाँ ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी सोप बहुत ईजिली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये 1/2 कप पानी डालेंगे। नेक्स्ट, अब हम इसमें ऑरेंज पील का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे पानी में इस तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने ऑरेंज पील के मिक्सचर को पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम लास्ट में इसमें कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार जब तक चलाएंगे जब तक कि सोप बेस अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो यह ध्यान रखें कि यहाँ हमें मिक्सचर को पकाना नहीं है, हम इसे जब तक चलाएंगे जब तक कि सोप बेस अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ आप देखिए सोप बेस भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारा फेस वॉश अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसे स्टोर करने के लिए अब हम इस तरह कोई भी एक खाली पंप बॉटल ले लेंगे और इसमें फेस वॉश को फिल करेंगे। तो यह मैंने फेस वॉश को बॉटल में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली जब भी आप लोगों को अपना फेस वॉश करना हो, आप इस तरह थोड़ा सा फेस वॉश लें और इसे दोनों हाथों में इस तरह हल्का सा रब करें। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फेस वॉश कितना फोमी बना है, आप इस फेस वॉश से अपने फेस को 1 मिनट अच्छे से रब करें और उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लें। आप इस फेस वॉश को दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि अगर आप इस फेस वॉश के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ करें। और इसके रेगुलर यूज़ से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा लाइटन, ब्राइटन और वाइटन हो जाएगा। आपके डार्क स्पॉट्स, सनटैन और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और यहाँ तक कि एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपको आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी फील होने लगेगी। तो आप भी इस मैजिकल फेस वॉश को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा।
तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।